नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरो थेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन, जिसे हम अवसाद के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो इस बीमारी की कोई एज नहीं है, यानी किसी भी एज के व्यक्ति को डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। बच्चों में भी डिप्रेशन हो सकता है, वयस्क व्यक्तियों में भी हो सकता है, बड़ी एज के व्यक्तियों में भी हो सकता है, महिलाओं में भी हो सकता है, और पुरुषों में भी देखा जाता है कि डिप्रेशन हो सकता है। यानी कि इसकी कोई भी एज निश्चित नहीं है। दोस्तों, जिसको भी डिप्रेशन होता है, इसका सबसे पहला और मुख्य लक्षण हमें देखने को आता है कि इसमें रोने का मन ज्यादा करता है। पेशेंट को अगर हम बात करते हैं, कोई उससे पूछते हैं कुछ बातों को लेकर, तो वो इमीडिएटली रोना शुरू कर देता है, ऐसा निरंतर देखा जाता है। अगर वो कोई काम करता था तो काम पर नहीं जाता, यानी कि उसका कोई भी काम करने को मन नहीं करता। जरा सा कोई व्यक्ति कुछ कह दे तो लड़ने मरने को तैयार हो जाता है। बहुत ज्यादा कमजोरी, थकान, आलस्य निरंतर बना रहता है। ऐसा लगता है कि लेटे रहने का मन करता है। पेशेंट को नींद आना एकदम कम हो जाती है। मान लीजिए पेशेंट 6 से 8 घंटे पहले नींद लेता था, और ऐसे व्यक्ति को जिसको डिप्रेशन होता है, वो पूरी रात जागता रहता है, सारी रात जाग कर काट देता है, करवट बदलता रहता है, या लेट लेट कर फोन यूज करता रहता है। कुछ लोगों को थोड़ी नींद आती है, यानी कि बार बार नींद खुलती है, जिसके कारण से पेशेंट को और ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है। भूख एकदम कम हो जाती है। पहले व्यक्ति बताता है कि अच्छा खाना खा लेता था, दिन में 3 बार 4 बार खाना खाता था, लेकिन ऐसे व्यक्ति को देखा जाता है कि या तो नींद, यानी कि भूख बहुत ज्यादा कम हो जाती है, या कुछ लोगों को देखा जाता है कि भूख बढ़ जाती है, जिसके कारण से डिप्रेशन वाले व्यक्ति का वजन भी निरंतर बढ़ रहा होता है। कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है, यानी कि वो कहीं अगर मन लगाना चाहता है, कुछ काम करना चाहता है, कुछ पढ़ना चाहता है, कुछ लिखना चाहता है, कुछ सुनना चाहता है, कुछ देखना चाहता है, तो उसका कंसंट्रेशन वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसका किसी चीज में ध्यान लगता ही नहीं है। मेडिटेशन करना चाहता है, लेकिन मेडिटेशन में भी उसको ध्यान नहीं लगेगा। और कोई अगर कोई बात कर रहा है तो वो ऐसा गुमसुम सा हो जाता है, यानी कि जो बात कर रहे हैं केवल पेशेंट उसका आंसर भी नहीं दे पाता। उसके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, जीवन बेकार है, जीकर क्या करूंगा, ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं है। और कई बार अगर दिक्कत ज्यादा बढ़ जाए तो पेशेंट सुसाइड करने की कोशिश भी कर लेता है। वैसे तो इस बीमारी का कोई कारण नहीं है, बिना किसी कारण के, यानी कि कहें कि बेवजह भी डिप्रेशन हो जाता है। जिसको दोस्तों डिप्रेशन होता है, ऐसे पेशेंट को एकांत बहुत अच्छा लगता है। अगर आप उसको किसी फंक्शन में, किसी शादी प्रोग्राम में ले भी गए, तो उसको वहां कोई इंटरेस्ट नहीं आता। उसको तो केवल एक कोना चाहिए जहां वो सोच सके। उसकी मानसिकता इस प्रकार की हो गई होती है, भीड़ से उसको डर लगने लगता है। अगर कोई व्यक्ति उससे हमदर्दी से कुछ क्वेश्चन करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, तो उसको उससे डर लगता है। उसको हर समय ऐसा महसूस होता है कि ये व्यक्ति मुझे मारे ना, मेरा कोई सामान ना ले जाए, मुझे कोई फिजिकली ये परेशानी ना पहुंचाए, ऐसा उसके मन में निरंतर डर बना रहता है। हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल होते हैं, जब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये केमिकल हमारे ब्रेन में बनते हैं, और कहें कि ये पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव मतलब अगर ठीक मात्रा में निकल रहे होते तो हमें नींद भी अच्छी आती है, हमारा माइंड भी ठीक रहता है, हमारा बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो भी ठीक रहता है। स्ट्रक्चर से मतलब काम करने का हमारा मन निरंतर रहता है। अगर ये केमिकल किसी कारणवश कम बन रहे हो, इनका सेक्रेशन प्रॉपर ना हो रहा हो, तो डिप्रेशन जैसी दिक्कत आ जाती है। और उसमें जो नींद का कम होना, भूख का ना लगना, नेगेटिविटी हमें बहुत ज्यादा आ जाना, ऐसे लक्षण हमको निरंतर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको डिप्रेशन हो गया है तो सबसे पहले आपको अपने कारण को ठीक करने, क्या आपको कोई डिप्रेशन का कारण है, यानी कि कोई फैमिली हिस्ट्री रही हो, कुछ ऐसी दुर्घटना घटी हो अपने साथ, परिवार में कुछ मिस हैपनिंग हुई हो जिसके कारण से हमें डिप्रेशन हो गया, तो सबसे पहले क्या कारण है उससे हमें बाहर निकलने का प्रयास करना है। आप खाली ना बैठे, कुछ ना कुछ काम जरूर करते रहें, अपने आप को बिजी रखें। जो भी आपकी हॉबीज हैं, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, आपको घूमना अच्छा लगता है, आपको मूवी देखना अच्छा लगता है, तो आप अपने आप को बिजी रखें, यानी कि अपने माइंड को आपको डाइवर्ट करना है और नेगेटिविटी से आपको बचना है। आपके आसपास के जो आपके मित्र हैं, परिवार में ऐसा माहौल है कि जहां नेगेटिव बातें होती हैं, तो वहां आपको नहीं बैठना चाहिए, वहां से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आपकी ये बीमारी ठीक नहीं होती। और एकांत में आप ना बैठें, जहां
चार लोग या परिवार के लोग बैठे होते हैं, आपको वहीं बैठना चाहिए, अपने आप को आपको बिजी रखना चाहिए और आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, तो आपकी डिप्रेशन की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। साथ में एक छोटा सा न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट मैं आपको सिखाऊंगा, आपको कितने भी दिन से डिप्रेशन की समस्या है, आपको कितने भी दिन से एंजाइटी है, ये समस्या आपकी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम डिप्रेशन के लिए ट्रीटमेंट, आइए जानते हैं। डिप्रेशन के लिए आज हम ट्रीटमेंट सीखेंगे। पेशेंट को इस प्रकार से बिठाना है, थोड़ा सा टेलकम पाउडर लगाना है, इस प्रकार से यहाँ कान के नीचे नर्व आती है, यहाँ पर हम प्रेशर देंगे। देखेंगे करने का तरीका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहले लेफ्ट साइड किया 12 टाइम्स, उसके बाद राइट साइड देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर हमें 1 मिनट का गैप देना है, उसके बाद रिपीट करने का तरीका देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर राइट साइड देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहले लेफ्ट साइड किया फिर राइट साइड, फिर 1 मिनट का गैप, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, ऐसा हमने 1 मिनट के गैप पर दो दो बार करना है। उसके बाद देखते हैं पेशेंट को इस प्रकार से बैठना है और हमें माथे पर यानी कि जो सेंटर पॉइंट है वहां पर पास पास 3 पॉइंट बनाने, ऐसा 3 से 4 बार करना है। फिर दोनों ऊँटों को इस प्रकार से रखना है आईब्रो के ऊपर वाली साइड, फिर हमें इस प्रकार से प्रेशर देना है, 3 4 पॉइंट बना सकते हैं इस प्रकार से। फिर ये जो आईब्रो के ऊपर वाला भाग है यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार से हमें क्लॉकवाइज करना है इस प्रकार से। उसके बाद हमें पेशेंट की पीछे वाली साइड में आना है और सेंटर में अपने अंगूठे से हमें आगे से पीछे की ओर प्रेशर देते हुए जाना है इस प्रकार से, पास पास पॉइंट्स बनाने होते हैं इस प्रकार से। उसके बाद ये कानों के पीछे वाला जो भाग है, ये कानों के पीछे वाला जो भाग है जो बालों की कटिंग होती है, वहां पर हमें अपने अंगूठे से प्रेशर देना छोड़ना है पास पास, ये भी हम 3 से 4 बार करेंगे पास पास पॉइंट्स बनाने। उसके बाद हमें अपनी सारी उंगलियों को इकट्ठा करना और माथे के सेंटर से इस प्रकार से उंगलियों को मतलब स्लिप करते हुए आगे से पीछे की ओर लाना और यहाँ पर आकर इस प्रकार से क्लॉकवाइज कर, ऐसा भी 4 से 5 बार करेंगे। फिर यहाँ की जो मसल्स हैं उसको इस प्रकार से हमें रबिंग करते हुए लाना और पीछे इस प्रकार से ला के और अपने हाथ की मुट्ठी बनानी है और कान के पीछे वाला जो भाग है यहाँ पर हमें 17 से 18 बार इस प्रकार से रबिंग करनी है। दोनों साइड हाथ हम चेंज कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है डिप्रेशन के लिए। आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, आप ये ट्रीटमेंट करेंगे तो निश्चित ही आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। आप करें और इसके आश्चर्यचकित परिणाम आप खुद महसूस। दोस्तों अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना डिप्रेशन क्यों होता है, क्या उसके कारण होते हैं, कैसे लक्षण हमको नजर आते हैं और साथ में एक छोटा सा ट्रीटमेंट आपने सीखा। ये ट्रीटमेंट छोटा जरूर है लेकिन रिजल्ट इसके बहुत बड़े बड़े हैं। आप करें और इसके आश्चर्यचकित परिणाम आप खुद देख सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं और आपकी डिप्रेशन की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाने वाली है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें जिससे कि जो भी वीडियो हेल्पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।